एक तरफ सरकार नल जल योजना के तहत घर घर नल और नल से जल देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के विकास खंड सहपुरा अंतर्गत बड़ेगढ़ पंचायत के पोषक ग्राम ठड्ढा धनगांव में 50 साल पूर्व से पानी की समस्या है। इस गांव में कुआं हैंडपंप होने के बाद भी माह दिसंबर से जून माह तक पानी की किल्लत होती है। पंचायत द्वारा 4-5 साल से लगातार टैंकर से पानी प्रदाय किया जा रहा है, जबकि इस गांव में नल जल योजना की स्वीकृति मिले हुए पूरे एक साल हो गया है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, जिससे इस गांव के लोगों को पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। टैंकर के इंतजार की वजह से अन्य दूसरा काम समय से लोग नहीं कर पाते। जब बारिश आती है तो नल कुआं में पानी आ जाता है, तब पानी लेने जाने वालों को स्कूली बच्चों एवं मवेशियों को नाला से होकर जाना पड़ता है। पुलिया निर्माण की मांग के लिए गांव वालों ने कई बार ग्राम सभा में आवेदन किया है, लेकिन सरपंच सचिव द्वारा आगे कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। ये समस्या कब से है दीदी? ये समस्या मैं जब से आई हूँ शादी होके, मेरे शादी हुई अभी 28 साल हुआ है, मैं जब से आई हूँ तो इधर देख रहा हूँ ये रोड भी सही नहीं है और ये नाला पड़ रहा है। बारिश के टाइम में हम पानी भरने आते हैं, कुएं में नहाने आते हैं, ये भी सूखा पड़ा है और बारिश के टाइम में है तो ये तीनों मोहल्ले, एक ये मोहल्ला कहलाएगा, एक ये मोहल्ला, तीन मोहल्ला के बारिश के टाइम में इधर पानी पीते हैं। अब अभी कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा है। और अभी कहाँ से पानी पीते हैं आप? अभी पंचायत से वो टैंकर लगा है, उससे पीते हैं। सब तीनों चारों मोहल्ला में? तीनों चारों मोहल्ला में लगा है। कितना टैंकर आता है एक दिन में? एक दिन में 3 टैंकर आते हैं। तो टैंकर क्या हर साल लगता है टैंकर? हाँ, टैंकर अभी 5-6 साल से हो गया टैंकर लगते हुए। तो फिर जब टैंकर नहीं लगता था तो कहाँ से पानी ले जाते थे? बहुत दूर से लाते रहे, कहीं कुएं से, कहीं झिरिया से, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर, जैसे अपने करौंदी आया तो वहाँ नदी के किनारे कुआं बनी है, वहीं से लाते। पुलिया की मांग नहीं किए थे पंचायत वालों से? पुलिया की मांग तो हमने किए थे, पर अभी तक ये पुलिया नहीं बन रहा है। पंचायत वाले, हमारे सचिव सरपंच जो हैं, वो इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। और क्या समस्या आती है ये रोड से? ये रोड से हमें आने में यही समस्या है, गैया बच्चा लाते हैं पानी पिलाने तो सही रास्ता नहीं है, तो कीचड़ में आने जाने में बच्चे भी और हम भी पानी आने के लिए आते हैं तो मान लो घड़ा घड़ा। बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं? हाँ, कुछ बच्चे जाते हैं यहीं से। ये पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा तो आने में। कितना पानी भर जाता है? अरे इधर कम से कम नकने में परेशानी होने लगता है। अब बच्चे तो हैं और हम भी आए पानी आने लेके तो ज़्यादा हो गया। कभी कोई हादसा हुआ है क्या यहाँ पर मवेशी या बच्चों को स्कूल आने जाने में? या वैसे तो थोड़ा बहुत मतलब गिर जाते हैं, पर उतना विशेष हादसा नहीं। इस समस्या को लेकर आप लोगों ने अभी तक क्या प्रयास किया है? अब इस समस्या को लेकर तो प्रयास बहुत कुछ किए हैं, सचिव सरपंचों से सबसे बोले हैं, ग्राम सभा में बोले हैं कि हमारे रोड और पुलिया बनना चाहिए। दादा, आप ये बताइए कि पानी न मिलने का क्या कारण है आपके गांव में? पानी का कारण यही है मैडम जी, लगे पानी हम लोगों को, ये जो है ये हैंड पंप जो है ये सरकार बहुत खुदाया, बाकी सरकार की तरफ से खुदाया जरूर, मगर 200 फुट खोद देते हैं और खोदने वाला चला जाता है और नीचे पानी है। जब 700-800 फुट खोदे तो पानी मिलना चाहिए, पानी अब नीचे है तो पानी की जगह में पाइप नहीं पहुंच रहे हैं, इसके वजह से हम लोगों को पानी बहुत कमी है। और किस महीने से पानी की कमी आ जाती है हम लोगों के यहाँ? माह से पानी का कमी हो जाता है। और ये समस्या कब तक रहती है, कितने महीने तक रहती है? ये रहता है हम लोगों का पूरी आषाढ़ तक, आषाढ़ का महीना जो है ये पूरी आषाढ़ की महीना निकल जाती है। पानी हो तो कुछ काम कर सकी, हम हर खेत में जाथन मजूरी बारे आहन खर काम में चले गए तो हमको पानी नहीं मिल रहे, पानी की इंतजार करते हैं तो काम से चूक जाते हैं। पर सरकार बहुत कोशिश भी कर रहे है पर वह जगह पर आ नहीं रहे अब पानी। अब सबसे बड़ी बात हमें पानी है कि
परेशानी है। अम्मा जैसे सुविधा हो गई तो जो समय बचेगा उसमें से आप क्या क्या काम कर सकते हैं? अरे कहीं ईंटा पार सकते हैं, घर बना सकते हैं, जैसे 4,000-5,000 में 1,000 ईंटा मिलता है। अगर हमारे पास पानी है तो हम वही पानी बचा करके और ईंटा पार सकते हैं, खपरा पार सकते हैं। पानी की वजह से बाहर चले जाते हैं, नहाने धोने में भी कमी, पशु पक्षी का भी कमी, हर चीज को कमी होता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया है? हम बहुत प्रयास किए हैं, पीएच विभाग में भी गए तो पीएच विभाग वाले भी बता रहे थे कि तुम्हारे स्वीकृत हो गया, यहाँ काम हो रही रहा है। एसडीएम का नाम भी जाके आवेदन दे तो टैंकर करके व्यवस्था कर रहे थे और यहाँ नल जल कोई व्यवस्था न हो रहा था। कई बार यहाँ जाके किए वहाँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमको जल मिलना चाहिए, का अन्न तो अब जो कुछ देते सरकार की तो मेरे हमारे बीच के कम आए, हमको पानी का व्यवस्था चाहिए। बस बाल बच्चा का दुख रात दिन से भरे रहते, चाहे भूत आ जाए, सांप आ जाए, कछु कर जाए, कोई देखा नहीं। क्योंकि गलत कहा तो बताओ भैया, हाँ विधायक आ जाए चाहे वोट आ गए, अगर मैं गरीबों जनता के पास में बहस करता हूँ, मुझे पानी होना है कछु न हो। तो क्या क्या बोल के जाते थे? हाँ बन जाएगा, यह बात है ना, अरे इसने आना हो जाएगा, काम हो जाएगा, बस इतनी बात आप बता देने वो कछु में भर जाने। अरे काम इस गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र है जो कि 1996 से संचालित है और भवन निर्माण 1999 में हुआ, तब से आज तक कोई भवन का मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। इस केंद्र में कुल 30 बच्चे 0 से 6 वर्ष के दर्ज हैं। यहां पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। ये रसोई है लेकिन ये टूट गया है, इसका छत भी टूट गया है तो यहाँ नहीं बन रही है खाना। पहले तो यही बनते थे लेकिन अब टूट गए हैं, तो वो एक वहाँ स्कूल का बना हुआ है तो वो स्कूल वाले वही बनाते हैं और मेरे बच्चों के लिए फिर वो घर से बना के लाते हैं। टूटे है बहुत दिन से हो गई टूटे, एक बार अंदर चले गए हैं यहाँ से घुस के तो कई सामान निकल गए हैं यहाँ से, लेकिन ये टूटे है दो बार आया है, यही बनवाए गए है लेकिन ये दरवाजा फिर से टूटे है। दिखा तू ये पूरा दिखाई ना दीदी, शौचालय अंदर है तो ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा के पता नहीं वो पाइप खराब है, का पानी आ रहे है कहाँ जा रहे है कहाँ नहीं है पता ही नहीं इसके भी। अंदर से ये इनके बन गए ही ऊपर की लेकिन सरपंच सुने नहीं रहे आपको क्या करें। हमारे पास जैसे ये हैंडपंप, हाँ हैंडपंप का इसको बनवाए हैं, इसको तो एक दो दिन पानी गए है अंदर, फिर इसके बाद में बंद ही हो गए, चाल नहीं रह गया है ना। स्कूल में भी तो गए ये वाले स्कूल में गए पूरे ऊपर से वहाँ, सबसे ज्यादा शौचालय की समस्या है दीदी। हमें बारिश में यहाँ पूरा पानी भर जाता, खिड़की से भी आ रही है और ये जयपुर पपड़ी लग गई है ना तो ये छत भी चू रहे हैं। जैसे ये समस्या है तो इस समस्या को लेकर आपने कहीं पंचायत या ग्राम सभा वगैरह में एप्लीकेशन दिया होगा? हाँ ग्राम सभा में हम कई बार प्रस्ताव डलवाए हैं, हमारा शौचालय नहीं है और ये शौचालय है लेकिन खराब है शौचालय और ये दरवाजा भी टूट गए हैं और खिड़की भी टूट गए हैं। हम सरपंच से बता भी दिए हैं कि हमारे अगर कोई चोरी भी हो जाए कुछ भी हो जाए तो हम ग्राम सभा में बता दिए हैं तो इसके जवाबदार आप है करके हम उसको भी बता दिए हैं। हमारे जो सुपरवाइजर है उसको भी बता रहे हैं और हमारे जो ये रिकॉर्ड में आ रहे हैं एमपीआर उसमें भी दर्ज करते हैं कि हमारे दरवाजा टूटा है, खिड़की टूटा है, शौचालय खराब है करके उसमें भी हर माह में देते हैं जानकारी। और जैसे है दीदी हमारे जैसे ये बॉन्डिंग बाल बनवाने के लिए कह रहे हैं, रोड बाजू से लगे है, बच्चे लोग खेलते खेलते वहाँ चले जाएंगे, रिकॉर्ड बनाने के लिए कभी काल है, कभी काल सहायिका नहीं है, कहीं मीटिंग जाना है, कहीं भी जाना है सहायिका नहीं है तो मान लीजिए हम अकेले हैं तो बच्चे वहाँ भी चले जाएंगे
तो बहुत परेशानी है हमको, बच्चों को भी ध्यान रखना है, उनके माँ बाप भी कहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, कोई हार सम्मान ले वहाँ हो जाए उसकी जवाबदारी। अगर बाउंड्री वाल बन जाएगी तो बच्चे अंदर ही रहेंगे। अभी क्या है कि रोड लाइन है तो गाड़ी भी चल रहे हैं, बच्चे लोग गाड़ी देख के बहुत जल्दी निकलते हैं बाहर, और रिकॉर्ड में अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो बच्चे लोग वहाँ चले गए तो उसमें भी परेशानी है। जैसे बारिश के समय में बच्चों को शौच के लिए कहाँ ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं, दूर। बहुत ज्यादा परेशानी शौचालय में, ये बारिश में भी गर्मी में भी, गर्मी पूरे गर्मी हमारी छुट्टी नहीं रहती है, हम गर्मी में धूप में बच्चों को बाहर ले जाते हैं, हम खुद स्वयं जाते हैं बाहर। शौचालय से सबसे ज्यादा परेशानी है, शौचालय है लेकिन खराब है, बना हुआ है शौचालय, उपयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं है। और जैसे पास आपके बाजू से जो प्राथमिक शाला है वहाँ पर और क्या क्या समस्या है इसके बारे में आप जानते हो? प्राथमिक में शौचालय है, शौचालय है तो वहाँ के भी बहुत सारे बच्चे हैं भाई, उनका शौचालय है, उन थोड़ी देंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई प्रकार की समस्या है, बच्चे कहीं बाहर भीतर होके लेटरिन कर दे तो उसकी समस्या फिर को झेलेगी, सहायिका है अपने यहाँ रहेगी तो सहायिका सब कर लेगी, लेकिन उनके यहाँ बच्चे थोड़ी जाएंगे। हम चाहते हैं कि शासन की तरफ से बाउंड्री वॉल बन जाए यहाँ तो अच्छा रहेगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये है कि हम ग्राम पंचायत में प्रस्ताव दिए हैं कई बार ये बाउंड्री वॉल बन जाए करके, तो आज तक तो कोई सुनवाई नहीं है, तो हम चाहते हैं ये समस्या को हम क्या करें, हम यही सोचते हैं कि कम से कम फिलहाल कोई तार आर लग जाए यहाँ तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, बाहर न निकले, चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, कोई भी व्यवस्था यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छा होगा।